तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं गलती से एक लड़की को ठोक देता हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते मैं उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा के उसके घर छोड़ने चला जाता हूँ। और जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचता हूँ, तभी वो लड़की मुझसे बोलती है कि मेरे घर राइट साइड में, तो मैं राइट मुड़ जाता हूँ। राइट मुड़ने के बाद मुझे पता चलता है कि ये रास्ता तो भूतिया जंगल की तरफ जा रहा है। और अब आगे यार गाइस, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं यार, गलती से इसे ठोक दिया तो इसके घर तो छोड़ के आना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैं जंगल की गेट की तरफ आता हूँ, तभी लड़की मुझसे जंगल के अंदर जाने का बोलती है, लेकिन यार मेरी मजबूरी इसे अंदर लेकर जाना, तो मैं अपनी गाड़ी को अंदर ले जाता हूँ। और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ भाई, इस लड़की की तो आवाज आनी बंद हो जाती है। इसके बाद मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में से निकलता हूँ, इस गाड़ी को चेक करता हूँ, लेकिन भाई गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं बैठा भाई, यार यहीं पर तो बैठी थी। अरे भाई ये क्या हो रहा है, आ गया ना बच्चू मेरे जाल में, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे। क्या छोटी बीवी, चल ठीक है तुझे एक शर्त पे छोड़ दूंगी। कौन सी शर्त? जितने भी लोग तेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। गाइस यार, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी तुम्हारे हाथ।